सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गुनगुन किचन को और बेल आइकन को दबाएं न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ जोधपुर की बहुत ही मशहूर प्याज की कचौड़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मॉनसून सीजन चल रहा है तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, दो बारीक कटे हुए मीडियम साइज के प्याज, दो मीडियम साइज के आलू उबले हुए, दो टेबलस्पून बेसन, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच खड़ा धनिया, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, रिफाइंड ऑयल। कचौड़ी को डीप फ्राई करने के लिए अब हम सबसे पहले मैदा का सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम बड़े बाउल में मैदा को डालेंगे। अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे एक चौथाई चम्मच के करीब। अब हम इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये बाइंड भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदा को सॉफ्ट गुन लेंगे। हमें मैदा को गुनने के लिए नॉर्मल पानी चाहिए, ठंडा या गर्म पानी नहीं चाहिए। ये मैदा को हमने अच्छी तरह से गुन लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट गुना है। अब इसे हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम गैस की फ्लेम जलाकर एक पैन को गरम कर लेंगे और पैन के हल्का गरम हो जाने पर हम उसमें एक टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे और तेल को भी हम हल्का गरम हो जाने देंगे। तेल के हल्का गरम हो जाने पर हम इसमें जीरा डालेंगे और गैस का फ्लेम हम हाई टू मीडियम के बीच में रखेंगे। अब इसमें हम धनिया डालेंगे और इन दोनों को हम कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। ये खड़ा धनिया और जीरा अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इन दोनों को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे और साथ में ही हम आमचूर पाउडर भी डाल लेंगे और सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसमें बेसन डालेंगे और बेसन को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों और बेसन को हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि मसाले जले नहीं और गैस का फ्लेम हमें हाई टू मीडियम के बीच में ही रखना है। अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया था और अच्छी तरह से मैश भी कर लिया है। अब आलू को हम सारे मसालों और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और नमक को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आलू को हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आलू को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और लगातार हम चलाते भी रहेंगे। 1 मिनट हो चुका है और फिलिंग हमारी बन करके तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं मैदा के डो को ढके हुए। अब हम डो को एक बार और भून लेते हैं। ये मैदा हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब इसे हम बराबर बराबर तोड़ करके बॉल्स की तरह बना लेंगे, मतलब कि लोइयां बना लेंगे। बिल्कुल हमें रोटी की लोई जैसे ही बनाना है। ये हमारी सारी लोइयां बन करके तैयार है। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे और हाँ, हमें इसे बेलना नहीं है, इसे हमें हाथ से ही बनाना है। इसे हमें हाथ से ही बना करके इसमें फिलिंग भरनी है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है।
अपनी हाथों की मदद से लोई को एक कटोरी जैसा शेप देना है, बिल्कुल इस तरह से। ये कटोरी हमारी बन करके तैयार है। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। मैं ये इसमें 2 चम्मच के करीब फिलिंग भर रही हूँ और फिलिंग को हम अंदर की तरफ दबाते हुए कचौड़ी को क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। फिलिंग को हम अंदर की तरफ दबाएंगे और कचौड़ी को हम अच्छी तरह से क्लोज कर देंगे। ध्यान रखें, हमें कचौड़ी को अच्छी तरह से बंद करना है ताकि कचौड़ी तलते समय खुले नहीं। अब इसे हम अपने हाथों से गोल कर लेंगे और हल्का सा दबा के फ्लैट कर लेंगे। ये हमारी एक कचौड़ी बन करके तैयार है। इसी तरह से हम सारी कचौड़ी बना लेंगे। ये हमने सारी कचौड़ी में फिलिंग भर लिया है। अब ये तलने के लिए तैयार है, तो अब इसे हम तल लेते हैं। कचौड़ी तलने के लिए सबसे पहले हम तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करने के बाद हम इसमें एक एक करके कचौड़ी डालेंगे। एक बार में मैं 3 ही कचौड़ी तलूँगी। कचौड़ी को हम मीडियम फ्लेम पे तलेंगे ताकि कचौड़ी अंदर से अच्छी तरह से तले और कचौड़ी को हम बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि कचौड़ी दोनों तरफ से अच्छी तरह से तले और कचौड़ी को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक तलेंगे। कचौड़ी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और कचौड़ी को गोल्डन ब्राउन होने में लगभग 8 मिनट के करीब लगे हैं। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर कचौड़ी को 2 मिनट के लिए और तल लेंगे और कचौड़ी को हम बीच बीच में पलटते भी रहेंगे ताकि कचौड़ी दोनों तरफ से अच्छी तरह से तले। 2 मिनट हो चुके हैं और कचौड़ी हमारी अच्छी तरह से तल चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की भी कचौड़ी तल लेंगे। ये भी हमारी कचौड़ी तल चुकी है। अब हम लास्ट की बची हुई कचौड़ी भी बिल्कुल इसी तरह से तल लेंगे। ये हमारी सारी कचौड़ी तल चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारी कचौड़ी खाने के लिए तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है और ये सभी को पसंद आती है। अगर आपको ये कचौड़ी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।